केदार उत्तम आस्था श्रद्धा एवं सबसे प्राचीन सभ्यता का साक्षी है यह वाराणसी शहर। यह कल कल बहती पवित्र गंगा नदी की धारा जिसके समक्ष विद्यमान है यह ललिता घाट। मत्स्य पुराण में तीर्थों की चर्चा के अवसर पर ललिता तीर्थ का वर्णन हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ स्कंद पुराण के काशी खंड में भी जहाँ नव दुर्गा घाटों का वर्णन होता है वहाँ भी ललिता घाट का नाम अंकित है। जहाँ क्षेत्र रक्षा करने वाली दुर्गा रूपी ललिता गौरी का निवास है। घाट के ऊपर गली में माँ दुर्गा को समर्पित देवी ललिता का मंदिर विद्यमान है। साथ ही साथ यहाँ काष्ठ एवं ईंट से बना राज राजेश्वर मंदिर भी स्थापित है। भगवान शिव को समर्पित काशी में यह मंदिर नेपाल के पशुपति मंदिर का प्रतीक रूप है। वर्तमान में सुशोभित यह ललिता घाट रूप में तीन भागों में विभक्त था। दक्षिण दिशा की ओर से चले तो नेपाली घाट, ललिता घाट एवं राज राजेश्वरी घाट। इनका उल्लेख सन 1930 में मोतीचंद जी ने किया था। जहाँ नेपाली घाट एवं ललिता घाट के पक्के निर्माण का श्रेय नेपाल के महाराजा बहादुर शाह को जाता है तो वहीं राज राजेश्वरी घाट के निर्माण का श्रेय सिद्ध गिरी जी को जाता है। कालांतर में नेपाली एवं राज राजेश्वरी घाट ललिता घाट में ही समाहित हो गए। ऐसी मान्यता है कि अश्विन मास की कृष्णा तृतीया के दिन ललिता तीर्थ में स्नान कर देवी के दर्शन करने से श्रद्धालुओं के सभी मनोकामना